बाकी छोटी छोटी लड़ाइयां चल रही हैं और धीरे धीरे रूस कम से कम जो सरहदी इलाके हैं जहां तक वो काबिज होना चाहता है वहां तक आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुख्य तौर पर दो जगहों पर आप लड़ाई केंद्रित देख रहे हैं, खारकीव और कीव। कीव सीधे आपको पहले लिए चलते हैं, राजेश पवार वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, एक और रात और ये रात भी कहा जा रहा है बहुत भारी, एक के बाद एक सायरन्स वहां पर सुनाई दे रहे हैं। आप जब लाइव रहते हैं उस समय भी हमने सुना था फ्रीडम स्क्वायर को निशाना बनाना, जेलेंस्की का इस बात पर पूरी दुनिया को संबोधित करना, इस समय के हालात बताएं राजेश। देखिए, उसके पिछले 2 घंटे से कोई सायरन नहीं बजा है, कोई बम धमाका नहीं हुआ है, शांति है। और आउटस्कर्ट्स पे क्या हो रहा है अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि कीव के बाहरी इलाके में नॉर्थ की तरफ उत्तरी दिशा में काफी बड़ा जमावड़ा है रूसी फौज का, रूसी मैकेनाइज कॉलम्स का। वो कब हमला करेंगे और कब वो अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे ये कहना अभी मुश्किल है। मेरी उम्मीद है कि वो आने वाले 48 घंटे में कभी भी हो सकता है। एयर स्ट्राइक्स अभी कोई नहीं हुए हैं कीव के ऊपर, पर अगर जब युद्ध शुरू करेगा, वो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा, उससे पहले एयर स्ट्राइक्स कीव के ऊपर होंगे। ओवर टू यू। अभी तक की के इंडिकेशंस देखकर आपका असेसमेंट क्या है राजेश, रूसी सेना को लेकर जिसका लंबा काफिला भी दिख रहा है बाहर, घेरा बंद ये भी दिख रहा है कि वो बाहर रुके हैं, लेकिन आगे क्या? देखिए, रूसी सेना इस टाइम अपना पूरा फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन जारी किया हुआ उन्होंने पूर्वी यूक्रेन में। पूर्वी यूक्रेन का हर शहर इस वक्त रूसी सेना का पूरा जो है ताकत देख रहा है, उनकी पूरी जो डिस्ट्रक्टिव पावर है उसको देख रहा है पूर्वी यूक्रेन में। पूर्वी यूक्रेन में कई शहर हैं, जैसे खरसोन है जो ऑलरेडी रूसी सेना के कब्जे में आ चुका है, खारकीव है जो ऑलमोस्ट कब्जे में है, उसके अलावा ओडिशा है वो भी लगभग कब्जे में है, उसके अलावा मरियापोल है वो कब्जे में है, उससे अजोव सी से पूरा उसका कनेक्शन टूट चुका है। तो जो पूर्वी यूरोप है वहां उसकी सेना लगातार, पूर्वी यूक्रेन जो है वहां रूस की सेना लगातार जबरदस्त लड़ाई में लगी हुई है और लगातार आगे बढ़ रही है। जो कल रिपोर्ट आई थी, आज से कोई रिपोर्ट नहीं आई है, वो 60 से 70 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी है डोनबास के एरिया से, और कई बड़े शहर जो हैं वो ऑलमोस्ट उसके कब्जे में भी हो चुके हैं और अब भीषण बमबारी हो रही है। लेकिन राजेश, आपको लग रहा है पूरा यूक्रेन अभी तो वेस्ट कम्प्लीटली, मतलब कमोवेश एक तरह से कहें तो काफी क्वाइट है वहां पर। शुरुआती पहले दिन कई चीजों की बात आई थी कि मिसाइल हमले शायद वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे क्रीमिया से लेकर ऊपर एक लकीर वो खींचने की, मतलब बेलारूस तक कीव को लेते हुए, कि लगभग ईस्ट और वेस्ट लगभग बंटते हुए दिख रहे हैं अभी हमको समझ में आता है। आपका असेसमेंट इस पे राजेश? देखिए, हमें ये चीज समझनी होगी कि रूस ये मानता है कि पूर्वी यूक्रेन और दक्षिण यूक्रेन ये उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बोलूं या शायद ये सही शब्द ना भी हो, बिकॉज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस तो रूस पूरे यूक्रेन को मानता है, पूरे सेंट्रल एशिया को मानता है। तो ये वो एरिया है जहां रूस ये मानता है कि उसके अपने लोग रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर पूर्वी यूक्रेन में और दक्षिण यूक्रेन में रूसी भाषी लोग हैं, उसी स्टॉक के हैं, उसी एथनिसिटी के हैं जैसे रूसी हैं, सब कुछ सेम है, उनका कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, हर चीज सेम है। तो वो मानता है कि रूसी लोग ही हैं, और वो अभी तक ये मानते आ रहे थे कि यूक्रेन हमारा भाई है, वो हमारे ही लोग हैं, अलग मुल्क हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन जब से यूक्रेन ने नेटो में जाने की जिद की, और जब से रूस को ये लगा कि अगर यूक्रेन नेटो में चला गया, इसका अर्थ ये होगा कि जो नेटो की मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, बड़े हथियार हैं, वो बिल्कुल रूस के बॉर्डर पर आ जाएंगे, जिससे उसकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। जब रूस को ये लगा कि अब उसकी अस्तित्व पर खतरा आ गया है, उसकी सिक्योरिटी को बहुत बुरी तरह से, उसकी सिक्योरिटी चरमरा जाएगी। और आप ये सोचिए कि अगर यूक्रेन में नेटो की मिसाइल्स तैनात हो जाती हैं, तो जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वहां से, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उनको जो वक्त लगेगा मॉस्को तक पहुंचने में, सिर्फ 2 मिनट का वक्त है, ये कोई चेतावनी नहीं, 2 मिनट में तो हो सकता है आदमी कभी भी चूक कर सकता है। तो ये रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा था, और इसलिए जरूरी था कि रूस को ये करना पड़ा। और जहां तक ईस्ट और वेस्ट का सवाल है, वेस्ट में रूस के सिंपैथी वाले ज्यादा लोग नहीं हैं, और वहां पे हमें संभावना है कि फाइटिंग जो होगी, लड़ाई होगी, वो बहुत ज्यादा भीषण होगी, और जो है गुरिल्ला वॉरफेयर जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, वो अगर आने वाले समय में हमें पश्चिमी यूरोप में देख रहे हैं। पश्चिमी एक और चीज आपसे मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया का कोई रिपोर्टर इस समय कीव शहर से उस तरह से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा जिस तरह से आज तक की टीम है, जिस तरह से आप बता रहे हैं हमें दिन भर। तो अगर मैं एक सैनिक के तौर पर आपसे पूछूं कि आज की सिट रिपोर्ट क्या है, या आज का हाईलाइट आप क्या बताना चाहेंगे, आज के दिन को क्या, 7वां दिन, सप्ताह का अंतिम, एक हफ्ता हो गया आज,
तो यह है कि खरसोन सहन शहर जो है वो पूरी तरह से रूसी फौज के कब्जे में आ चुका है, और खारकीव जो शहर है वो लगभग पूरी तरह से रूसी फौज के कब्जे में आ चुका है। मेरे हिसाब से आज की हाईलाइट यही रहेगी। बहुत शुक्रिया राजेश पवार इस पूरी बातचीत के लिए। डटे रहिए, और पूरा देश आपको देख रहा है, आप ही को सुन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।